subscribe to our channel and press the bell icon. Good morning friends, welcome to our YouTube channel Sir Abdul Sattar Khan. आपको उम्मीद है कि आपको पिछला वीडियो पसंद आया होगा. हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. चलिए शुरुआत करते हैं. 8th स्टैंडर्ड 2.5 अ हीरोइन ऑफ द सी, समंदर की हीरोइन. पहले हम गपशप करेंगे यानी चिट चैट करेंगे और इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में कौन सी चीज़ बताई गई है. डू यू लाइक करेजियस और कावर्डली पीपल. क्या आप है तो बहादुर लोगों को पसंद करते हैं या बुजदिल या डरपोक लोगों को पसंद करते हैं. आई लाइक करेजियस पीपल एंड नॉट द कावर्डली पीपल. मैं तो किन्हें पसंद करता हूँ, जो करेजियस हो, हिम्मत वाले हो. व्हाई डू यू लाइक करेजियस पीपल. आप करेजियस यानी हिम्मत वाले लोगों को क्यों पसंद करते हो. आई लाइक करेजियस पीपल बिकॉज दे ओनली कैन टेक रिस्क एंड पुट देयर आइडियाज इनटू प्रैक्टिस टू सेव सोसाइटी फ्रॉम any tragedies, disasters and misdeeds. Their courage helps people to live safe and peaceful. यानी जो हिम्मत वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो खुद के लिए भी और दूसरे लोगों के लिए, समाज के लिए भी एक बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं. उसके बाद देखते हैं, how can we boost our confidence and courage. हम अपने कॉन्फिडेंस और करेज को कैसा बढ़ा सकते हैं, हमारे खुद एतमादी को कैसे बढ़ा सकते हैं. टू बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस एंड करेज वी हैव टू फेथ इन आर सेल्फ. वी हैव टू बी स्ट्रांग एंड डिटरमिन्ड एंड कॉन्फिडेंट. वी हैव टू बी करेजियस. हमें क्या करना पड़ेगा, वी मस्ट हैव अ पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव थिंकिंग, स्ट्रांग डिटरमिनेशन, स्ट्रांग विल पावर, मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस. ये सब क्या करेगा, हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा. अकॉर्डिंग टू यू, हु आर मोर करेजियस मैन और वुमेन. आपके मुताबिक कौन करेजियस मैन और वुमेन है. ऑब्वियसली योर मॉम एंड डैड. जनरली स्पीकिंग मैन आर कंसिडर्ड एज मोर करेजियस बिकॉज ऑफ देयर फिजिकल स्ट्रेंथ एंड फिटनेस. यानी अक्सर क्या करते हैं, आदमी को ही ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ और फिटनेस की वजह से करेजियस समझते हैं. बट नावडेज मेनी ऑफ वुमेन शो करेज. लेकिन आजकल बहुत सारी लड़कियां, ख़वातीन भी हिम्मत बता रही है. व्हाट सिचुएशन बैकग्राउंड प्रोवाइड अस करेज. कैसे हालात हमें बाहिम्मत बनाते हैं. करियर्स, नेचुरल, मैन मेड कलामिटीज, एक्सीडेंट्स, फायर्स, अर्थक्वेक, फ्लड्स, बैटल्स, वॉर्स, एनिमल अटैक्स, एपिडेमिक्स. यानी ऐसे कुछ बातें होती है जिसमें हम अपने आप को करेजियस बना सकते हैं. अभी करेजियस बनाना बोले तो यानी ऐसा नहीं है कि आप है तो किसी सिर्फ बात से ही कोई बहुत ही बाहिम्मत बन जाएंगे, बल्कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नामुसाद हालात में, मुश्किल हालात में अपनी बहादुरी का नमूना पेश करना पड़ेगा. अब यहाँ पर कुछ शिप के अलग अलग चीज़ों के नाम दिए गए हैं, उसके बारे में हमने समझना है और फिर उसके बाद हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और समझेंगे. एंकर, एन इन्वर्टेड टी शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ आयरन टू होल्ड अ शिप ऑन द स्पॉट. यानी ये एंकर क्या होता है, एंकर यानी कि ये हल होता है जो क्या करते हैं, हम इसमें डाल देते हैं, ज़मीन पर पानी में छोड़ देते हैं, तो वो क्या करता है, वो जहाज़ को हलने नहीं देता. बीम, ब्रॉडेस्ट पार्ट ऑफ अ शिप साइड टू साइड. यानी ये जो बाजू का हिस्सा होता है जहाज़ का, उसे कहते हैं बीम. बो, फ्रंट पार्ट ऑफ अ शिप. ये सामने का हिस्सा जो है उसे बो कहते हैं. उसके बाद बिल्ज यानी कील, बॉटम ऑफ अ शिप यानी ये जो तला होता है जहाज़ का, उसे कहते हैं ब्रिज, कॉकपिट, व्हील हाउस. यानी जहाँ पर कप्तान अक्सर खड़ा होता है, कंट्रोल कैबिन होता है, उसे क्या कहते हैं, ब्रिज, कॉकपिट. क्रोज नेस्ट, टॉप मोस्ट पार्ट पोस्ट ऑफ अ शिप फ्रॉम वेयर अ सेलर कैन लुक आउट. यानी एक ऊपरी हिस्सा होता है जहाँ पर खड़े रहकर जो जहाज़रा है वो आगे से आने वाली चीज़ों को देखता है, गौर करता है. हल, पोर्शन ऑफ द शिप सीन अबव सी वाटर लेवल. ये पानी के ऊपर का हिस्सा जो होता है उसे हल कहते हैं. पार्ट होल्स, स्मॉल विंडोज ऑन द साइड्स ऑफ अ शिप. ये जहाज़ के बाहरी हिस्से में छोटे छोटे सोराख होते हैं, उसे पार्ट होल्स कहते हैं. लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं. अ हीरोइन ऑफ द सी.
हीरोइन ऑफ द सी, समंदर की हीरोइन। अराउंड द रॉकी कोस्ट ऑफ इंग्लैंड स्टैंड मेनी लोनली लाइट हाउसेस, ये इंग्लैंड के चट्टानी साहल के गिर्द कई सारे लाइट हाउस है। लाइट हाउस किसे कहते हैं? मीनार ए नूर। अब क्या होता है ये मीनार ए नूर? क्या है ये? समंदर के जहाज़ों को रास्ता देते हैं। देयर लाइट्स शाइनिंग अक्रॉस द सी, अब उनकी जो लाइट हाउस की रोशनियाँ जो है वो क्या करती है? जहाज रानों को रास्ता दिखाती है। वार्न सेलर्स एट नाइट ऑफ डेंजरस रॉक्स, और वो जो मल्लाह होते हैं उन्हें वो इशारा देती है कि सामने खतरनाक चट्टाने हैं। व्हेन दे सी द लाइट सेलर्स टेक दर शिप्स फार आउट टू सी, और जब वो ये निशानदेही देखते हैं तो जहाजरा क्या करते हैं? अपने समंदर को इन चट्टानों से दूर ले जाते हैं। व्हेन दे सी द लाइट सेलर टेक दर शिप्स फार आउट टू द सी, बट समटाइम्स फियर्स स्टॉर्म्स ड्राइव शिप्स ऑन टू द रॉक्स, लेकिन फियर्स फियर्स यानी खतरनाक खौफनाक, जब खतरनाक समंदरी तूफान आते हैं तो क्या होता है कि वो चट्टानों पर उन जहाज़ों को लाकर पटक देते हैं, लाकर फेंक देते हैं। दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ ब्रेव गर्ल एंड ऑफ ए शिप रेक ऑन द रॉक्स वन नाइट इन 1838। ये कहानी है एक बहादुर लड़की की जो 1838 में एक जहाज़ के तबाह होने पर शिप रेक यानी जहाज़ की तबाही की दास्तान के बारे में बयान करती है। ग्रेस डार्लिंग ये लड़की का नाम है। ग्रेस डार्लिंग वॉज अ डॉटर ऑफ अ लाइट हाउस कीपर। ग्रेस डार्लिंग एक लाइट हाउस का जो निगरान था, निगरानी करने वाला था, मीनार ए नूर का, उसकी बेटी थी। शी हैड लिव्ड ऑल हर लाइफ इन लोनली लाइट हाउस, और इसने अपनी पूरी ज़िंदगी अकेले दूर उस शहर से दूर उस लाइट हाउस में यानी मीनार ए नूर में गुजारी थी। फार अवे फ्रॉम टाउन्स एंड सिटीज़, ये शहर और देहातों से बहुत दूर। देयर वॉज नॉट इवन अ विलेज नियर देयर होम, उनके घर के करीब कोई गांव भी नहीं था। देयर नियरेस्ट नेबर वेयर मेनी माइल्स अवे, उनका सबसे करीबी जो पड़ोसी था वो भी कई मील दूर था, उसका घर था। बट ग्रेस फादर वॉज अ वाइस एंड एजुकेटेड मैन हु ब्रॉट अप हिज चिल्ड्रन वेरी केयरफुली, लेकिन ग्रेस का जो वालिद था, फादर था, वो बहुत ही अकलमंद और पढ़ा लिखा आदमी था, और उसने अपने बच्चों को बहुत ही तवज्जो से बड़ा किया था, केयरफुली। ग्रेस एंड हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर ऑल टॉट टू रीड एंड राइट, ग्रेस और उसके जो भाई बहन थे उनको लिखना पढ़ना सिखाया गया था। देयर फादर ऑल्सो टॉट देम टू बी ऑनेस्ट एंड ब्रेव एंड अनसेल्फिश, और उनका वालिद क्या था, उन्हें बताता था कि उन्हें कैसा होना चाहिए? ऑनेस्ट यानी रास्तबाज, ईमानदार होना चाहिए, ब्रेव यानी बहादुर, एंड अनसेल्फिश और बेगर्ज होना चाहिए, खुदगर्ज नहीं होना, सेल्फिश। व्हेन ग्रेस वॉज 10 ईयर्स ओल्ड द फैमिली वेंट टू लिव इन द लॉन्ग स्टोन लाइट हाउस, जब ग्रेस 10 साल की हुई तो ये पूरा का पूरा ख़ानदान लॉन्ग स्टोन के लाइट हाउस में रहने के लिए चला गया। लॉन्ग स्टोन क्या है? ये एक साहिली इलाका है, गैर आबाद जजीरा है जहाँ पर लाइट हाउस था। दैर न्यू होम वॉज ऑन सम वाइल्ड आइलैंड्स नियर द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंग्लैंड, द डार्लिंग चिल्ड्रन ग्रू अप हियर, और जो मिस्टर डार्लिंग थे उनके बच्चे यहीं पर बड़े हुए। व्हेन दे वेर ओल्डर दे लिव्ड देयर लोनली होम, जब ये बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने अपना अकेला जो घर था वो छोड़ दिया। वन बाय वन एंड फाउंड वर्क इन द सिटीज़, एक के बाद एक वो बड़े होते चले गए और वो तन्हा घर को छोड़कर शहरों में काम की तलाश में निकल गए। एट लास्ट ऑल ऑफ देम हैड लेफ्ट द लाइट हाउस एक्सेप्ट ग्रेस, हु स्टेड एट होम टू हेल्प हर मदर एंड फादर, आखिरकार तमाम लोग मीनार ए नूर यानी लाइट हाउस को छोड़कर चले गए, सिर्फ माँ बाप की मदद के लिए ग्रेस रुकी रही। शी हैड नॉट ग्रोन वेरी टॉल, उसका कद ज़्यादा बड़ा नहीं था, वो ज़्यादा ऊंची नहीं थी। शी वॉज ओनली अ लिटल वूमन, वो एक छोटे कद की खातून थी, औरत थी, लड़की थी। नॉट एट ऑल लाइक हर फादर हु वॉज मोर देन 6 फीट टॉल, लेकिन वो अपने वालिद की तरह बिल्कुल नहीं दिखाई देती थी। उसके वालिद जो है, उसके फादर है, उनकी जो जसामत थी वो 6 फीट के थे, 6 फीट टॉल थे। ऑन द नाइट ऑफ सेप्टेम्बर 6, 1838 अ टेरिबल स्टॉर्म वॉज ब्लोइंग,
ये 6 सितंबर 1838 की रात का एक खौफनाक तूफान आया हुआ था। ग्रेस को तूफानों की आदत थी। ग्रेस वॉज यूज टू स्टॉर्म, शी हरसेल्फ वॉज वार्म एंड सेफ इन द बिग लाइट हाउस, बट शी वॉज ऑलवेज अनहैप्पी अबाउट द पुअर सेलर्स हु वर एट सी इन द स्टॉर्म। अब ग्रेस को तो तूफानों की आदत थी, वो खुद इस बड़े मीनारे नूर में लाइट हाउस में आराम से थी और ख़ुद को महफूज समझती थी, लेकिन वो हमेशा तूफान में फंसे हुए बेचारे मल्लाहों के मुतालिक फिक्रमंद रहती थी। शी डिड नॉट नो डैट अ टेरिबल थिंग वॉज हैपनिंग डैट नाइट, और वो नहीं जानती थी कि एक बहुत ही खौफनाक मामला उस रात होने वाला है। डैट नाइट अ शिप वॉज रेक्ड अपॉन द रॉक, और उस रात एक जहाज चट्टानों से टकरा कर तबाह हो गया। ग्रेस एंड हर पेरेंट्स डिड नॉट हियर द साउंड ऑफ द क्रैश, ग्रेस और उसके वालदैन ने इस टकराव की आवाज़ सुनाई नहीं दी। द नॉइज ऑफ द विंड एंड द वेव्स वेयर टू वॉज टू लाउड, हवाओं की और लहरों की आवाज़ इतनी ज़ोरदार थी कि कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। दे कुड नॉट हियर एनीथिंग एल्स बट अ शिप कॉल्ड द फोर फार शायर हैड हिट द रॉक्स अ माइल अवे फ्रॉम द लाइट हाउस। मोस्ट ऑफ द पैसेंजर्स वेयर ड्राउंड बट 9 मैन एंड वीमेन वेयर एबल टू क्लाइम ऑन टू अ रॉक, द विंड नियरली ब्लू देम इन टू द सी। अब ये इस कैसी थी, ये बहुत ही ख़तरनाक हवाएं चल रही थी, बहुत से मुसाफिर गर्क हो गए, डूब गए, लेकिन मर्द और औरतें मिलाकर 9 लोग 9 अशख़ास एक चट्टान पर चढ़ने में कामयाब हो गए थे। हवा इतनी तुंद थी, इतनी तेज़ थी कि उन्हें उठाकर समंदर में उठा उठा कर फेंकने की कोशिश कर रही थी, और वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाने में कामयाब हो पाए थे। एज दे क्लंग टू द बेयर रॉक, उन्होंने उस चट्टान को पकड़ रखा था। इन द डिस्टेंस दे सॉ द वार्म लाइट ऑफ द लाइट हाउस, और ये ख़वातीन और हजरात, ये औरतें और मर्द दूर मीनारे नूर यानी लाइट हाउस को देख रहे थे। बट ऑफ कोर्स देयर शाउट्स एंड स्क्रीम्स वर नॉट हर्ड, लेकिन उनके चीखने चिल्लाने की आवाज़ें वहाँ तक नहीं पहुँच रही थी। ऑल नाइट दे क्लंग देयर इन द स्टॉर्म, और पूरी रात वो उस तूफान में रुके रहे। नेक्स्ट मॉर्निंग एट 6 o'clock ग्रेस वॉज ड्रेसिंग, और दूसरी सुबह 6 बजे के करीब ग्रेस अपने कपड़े बदल रही थी। शी लुकड आउट ऑफ हर विंडो एंड सॉ द स्टॉर्म वॉज स्टिल ब्लोइंग, और उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा कि जो तूफान है वो अभी भी जारी है। सडनली शी स्टॉप्ड, अचानक वो एक जगह रुक गई। वॉजंट देयर समथिंग ऑन द डिस्टेंट रॉक्स, उसने देखा कि क्या दूर की चट्टानों पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कॉलिंग हर फादर, वो अपने फादर को बुला रही थी। शी लुकड अगेन, उसने दोबारा देखा। यस देयर वर सर्टनली पीपल क्लिंजिंग ऑन टू द रॉक्स, हाँ वहाँ पर कुछ लोग थे जो जिन्होंने चट्टानों को पकड़ रखा था। बट दे वर हाफ अंडर द सी, लेकिन वो आधे समंदर में डूबे हुए थे, गर्क थे। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।